हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। वेलकम टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11 टू 20th जैन। लव मैसेजेस फॉर लियो। दो लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, अब देखिए लियो, हमारे पास यहाँ पे दो लवर्स है। किसी तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, एंड हो सकता है इनिशियली आपको ये इंसान पसंद ना आए, आप थोड़ा रिपेल करो एक दूसरे को, मे बी लुक्स वाइज पसंद ना आए या कंपैटिबिलिटी ना बैठे, बट ग्रेजुअली आपको ये पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। इंसान स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफ होगा, क्लिक नहीं करेगा, स्पार्क नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं होगी, बट ग्रेजुअली आप रियलाइज करोगे कि आपकी जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, मे बी फिजिकल लुक से आपको इंसान पसंद ना आ रहा हो, बट इमोशनल कंपैटिबिलिटी इनके साथ बहुत अच्छी बैठेगी। आपकी जेमिनाई या लीब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं ये। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस, काफी सिग्निफिकेंट है रीडिंग में ये। अब देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स से हमें पता लग रहा है ये इंसान या फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट दूसरा इंसान, आप नहीं, ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे आपके पास आने के लिए, आपके आपको अप्रोच करने के लिए। इनको पता होगा कि आप ही हो, लाइक यू आर द वन फॉर देम, एंड ये आपकी तरफ आएंगे। बहुत ब्रेवरी दिख रही है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं ये, कि लियो के पास जाना है एंड बोलना है, एंड यू नो लाइक काम करना है, लियो को प्रूव करके दिखाना है कि आई एम वर्थ इट, ठीक है, मेरे साथ रिलेशनशिप में आया जा सकता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप थोड़े ऑफ रहे इनसे, एंड ये इंसान फिर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स डालें, इनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो, ये बोल्ड स्टेप्स लें आपकी तरफ, एंड कुछ ना कुछ ये करते रहें आपको यकीन दिलाने के लिए कि इनकी तरफ एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा जा सकता है। किंग ऑफ कप्स, पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब देखिए, किंग ऑफ कप्स के थ्रू मुझे दिख रहा है कि ये इंसान काफी इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, ऑनेस्ट होंगे, पैशनेट होंगे, लॉयल होंगे। इनका जो विजडम है, जो समझ सोच बूझ, जो एक दिमाग कहते हैं ना इंसान का, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत वाइज होंगे ये। तो इनके साथ अगर आप रहोगे तो कई बार इंसान खुद स्लिप करता है ना, कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता लाइफ में क्या चल रहा है, और कभी इमेच्योर डिसीजन ले लेता है। इनके साथ है कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपको एक मेच्योर तरीके से सजेशंस एंड एडवाइस देंगे, ठीक है, तो वो बैलेंस बना रहेगा। लव एंड कनेक्शन डेक से यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 जैन। लव मैसेजेस फॉर लियो। टर्न ऑन योर लव लाइट। लियो देखिए, अगर आप किसी कनेक्शन में जाना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको मिल जाए, जो एक लव सोलमेट आप ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर आप एक मैरिज या कनेक्शन में ऑलरेडी हैं और आप उस तरीके का प्यार चाहते हैं जो आपको मे बी इस कनेक्शन से नहीं मिल रहा है, टर्न ऑन योर लव लाइट। आपको मेरे ख्याल से या तो आपने गिव अप कर दिया है, आपने ढूंढना बंद कर दिया है, या फिर आप घर पे बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जब तक आप प्यार ढूंढने के लिए एक लव लाइट अपनी ऑन नहीं करेंगे, सर्च करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको कैसे मिलेगा? हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपने गिव अप कर दिया है कि नहीं, उस तरीके का प्यार जो मैं सोचती हूं या सोचता हूं वो नहीं मुझे मिलेगा इस इंसान से। गिव अप मत करिए, ठीक है, टर्न अपने स्विच को ऑन करिए, टर्न ऑन द लव लाइट। पुराने जैसे आप थे, जो प्यार में बिलीव करता था, वैसे बनिए वापस। I go where you go। देखिए, इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है ना आपका, बहुत ही प्यारा हो सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकता है ये इंसान आपका। जहां जहां आप चलेंगे ये आपके साथ चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि इनका ग्रोथ अलग हो रही है, आपकी ग्रोथ अलग हो रही है। इंडिविजुअली भी ग्रो करेंगे, बट एज कपल भी ग्रो करेंगे। आई गो वे यू गो, साथ नहीं छोड़ेंगे ये इंसान कभी आपका, अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्टार्ट वेयर यू आर। लियो, प्लानिंग करना अच्छी बात है कि आगे फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जब ये हो जाएगा तब मैं
रिलेशनशिप में जाऊंगा, जब ये हो जाएगा इतना कमा लूंगा तब मैं मैरिज का सोचूंगा। स्टार्ट वे यू आर, जहां पे है, जिस भी कंडीशन सिचुएशन सर्कमस्टेंस में है, स्टार्ट करिए। आप आई थिंक सोच बहुत रहे हैं कि एक्स वाई जी कंडीशन जब पूरी होगी तब हम रिलेशनशिप या मैरिज का सोचेंगे। नहीं, जहां पे अभी है वहीं से बेबी स्टेप्स लीजिए, इनिशिएट करिए, स्टार्ट करिए, ठीक है, सीख करिए, टर्न ऑन योर लव लाइट, स्टार्ट कर दीजिए ढूंढना। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है लियो के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज क्या फील करता है लियो के लिए, एरीज की क्या इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो। नाइट ऑफ वॉन्स, ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, आपकी या इनकी किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है इनकी है। थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं ये, थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं। इनको चाहिए कि इनकी बात मान ले कोई, ठीक है। तो ये अगर आपके पास आ रहे हैं, मुझे आते दिख रहे हैं, पैशनेट भी है, थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी भी है, बट लॉन्ग टर्म नहीं है, ये बहुत टेम्प्री कनेक्शन होगा भी अगर होगा तो। बट इनको चाहिए कि आप इनको हाँ बोलो, इनको ना सुनना बर्दाश्त नहीं है, अगर आप ना बोलोगे तो ये गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हेल्दी नहीं लग रहा है मुझे। टॉरस क्या चाहते हैं लियो से, टॉरस की क्या एनर्जीज इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो। थ्री ऑफ सोर्स, देखिए टॉरस अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, अभी वो काफी हर्ट हैं, पेन में हैं। उनको आई थिंक, मुझे एकदम से इंट्यूशन आई, आप में से कई लोग पार्क में बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट ये आपकी तरफ तो आते नहीं दिख रहे हैं। ये अभी इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, तो अभी ये उसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, सेपरेशन डिवोर्स चल रहा है शायद आपके साथ, या फिर इनके कोई और पार्टनर है उनके साथ। जेमिनाई क्या फील करते हैं आपके लिए लियो, जेमिनाई की क्या करंट एनर्जीज हैं इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो। नाइट ऑफ कॉइंस, देखिए जेमिनाई जो है ना इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी कोई नई जॉब लगी है, कोई इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नया सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, एंड ये उस तरफ ध्यान लगा रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनपे ना बहुत लोग डिपेंड करते हैं, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, और इनपे बहुत लोग डिपेंड करते हैं, इनकी फैमिली, इनके भाई बहन, व्हाटएवर, बट आई थिंक ये अभी वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये पूरा डिपेंडेबल इंसान बनना चाहते हैं कि फैमिली को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, वैसी कोई चीज हो सकती है। कैंसर क्या फील करते हैं लियो के लिए, कैंसर की क्या करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो। किंग ऑफ वॉन्स, देखिए कैंसर जो है बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं आपके साथ, बहुत पैशनेट हैं, काफी चार्मिंग भी हैं ये, ठीक है, काफी चार्मिंग भी हैं, बट ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप इनकी तरफ जाएंगे। इनका जो चार्म है ये आपको इतना अट्रैक्ट करेगा, इतना खिंचाव महसूस करेंगे आप, कि आप इनके पास जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत लॉयल हैं, लीडरशिप टाइप इनकी एनर्जी है। तो एक होता है ना, एक इंसान इतना चार्मिंग और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसके पास आते हैं, तो वैसी वाली वाइब भी हो सकती है। लियो क्या फील करते हैं लियो के लिए, लियो की क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो, लियो की क्या करंट एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके, अब देखिए आपकी या इनकी किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट आई थिंक आप अगर आप किसी लियो को डेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो आपके एक्स हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। अगर ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन बहुत ही फॉर्च्यून, लक, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ला सकता है, किस्मत चमक सकती है आपकी। अगर कोई और लियो है भी और वो आपके पास आना चाह रहा है, कोई एक्स भी है, तो हो सकता है पहले चीजें काम नहीं करी, बट इस बारी शायद चीजें वर्कआउट कर जाए, क्योंकि कर्मा डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिखे हैं। वर्गो क्या चाहते हैं लियो से, वर्गो की क्या इंटेंशंस हैं, करंट इंटेंशंस, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स लियो। एट ऑफ कप्स, वर्गो इज वॉकिंग अवे, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं आपसे। लिब्रा की करंट एनर्जीज, करंट इंटेंशंस टुवर्ड्स लियो। सेवन ऑफ वॉन्स, लिब्रा बहुत इस टाइम पे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है इस टाइम पे, तो आई डोंट थिंक वो आपके साथ आपके पास आ रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, कोई कोर्ट केस में भी हो सकते हैं शायद लिब्रा। स्कॉर्पियो
क्या फील करते हैं लियो के लिए स्कॉर्पियो की, क्या करंट एनर्जीज करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो? स्कॉर्पियो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। सैजिटेरियस क्या चाहते हैं लियो से? सैजिटेरियस की क्या करंट एनर्जीज करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो? किंग ऑफ कॉइन्स, देखिए सैजिटेरियस जो है ना, ये आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से भरपूर लाइफ देना चाहते हैं आपको, कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी, पैसा, ये सारी चीजें देना चाहते हैं। तो इनफैक्ट आई थिंक इनका अथॉरिटेटिव पोजिशन है, कोई पैसा अच्छा कमाते हैं ये, एंड ये आपको इसका एक पार्ट बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ का। केप्रिकॉन क्या चाहते हैं लियो से? केप्रिकॉन की क्या करंट इंटेंशंस करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो? द स्टार, केप्रिकॉन बहुत होपफुल हैं आपको लेकर लियो, उनको पता है कि अभी नहीं तो बाद में आप और ये साथ होंगे, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं आप पे। एक्वेरियस क्या चाहते हैं लियो से? एक्वेरियस की क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो? सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस काफी मैन्युपुलेटिव हो रहे हैं इस टाइम पे, वो आपको झूठ सच कर रहे हैं, कुछ बिट्रे कर रहे हैं, कोई माइंड गेम्स प्ले कर रहे हैं, एंड आपको इमोशनली मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मुझे तो पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। पाइसिस क्या फील करते हैं लियो के लिए? पाइसिस की क्या करंट एनर्जीज हैं करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स लियो? द चैरियट, देखिए पाइसिस का मुझे ऐसा लग रहा है ये ना आई थिंक कोई एक बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेकर आपके पास आ रहे हैं, ये इन्होंने बहुत सोचा समझा नहीं है आपके पास आने से पहले, हो सकता है अपनी जॉब छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जॉब छोड़ेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, बट कोई बहुत ही रश्ड डिसीजन ले रहे हैं ये, एंड एक जर्नी पूरी करके ये आपके पास आ रहे हैं, काफी डिटर्मिंड है ये आपके पास आने के लिए, आपके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है। बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरे इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।